मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 87 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी और झारखंड में चुनाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस बार के नतीजे बहुत ही नए तरीके के आने वाले हैं। लगातार इस तरह के रेड कार्ड समाजवादी कार्यकर्ताओं पे इशू किए जा रहे हैं और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है, और जहां लोगों को खुशी से वोट डालने जाना चाहिए और जहां चुनाव आयोग की भी यही इच्छा है कि वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन यहां पे भय का माहौल बनाकर भाजपा वाले चाहते हैं कि वोट डालने लोग ना निकले। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र कायम ना रहे इस देश में, इस प्रदेश में। झारखंड के योगी जी कह रहे हैं देश बटा। मैं समझती हूँ अगर जरा सा भी उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, तो आज जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज पूरी कानून व्यवस्था जीरो उत्तर प्रदेश में है। वही हमने देखा जहाँ झांसी में नवजात शिशु, इतने सारे बच्चे जो एक साथ जल गए। तो मैं समझती हूँ जहाँ सरकार को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, जहाँ पे सरकार को स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना चाहिए था, जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए था, वहीं आज उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद होने की कगार पे है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भारी कमी रह गई है सरकार चलाने में, लोगों को व्यवस्थित करने में और व्यवस्था और सुविधाएं पहुंचाने में। मतदान प्रक्रिया के दौरान चेकिंग के नाम पर ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिस तरह प्रशासन का रवैया जन लोगों के साथ है। और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि भय का वातावरण ना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार भय की राजनीति करती आई है, करती रहेगी, और इसी वजह से ये लोग भय पैदा करके इस तरह के भाषण भी देते हैं, जहाँ हमने सुने हैं कि कितने नकारात्मक भाषण दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स द्वारा। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन? नहीं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, लोगों का बहुत समर्थन और साथ मिल रहा है, लेकिन मेरी यही कहना है चुनाव आयोग से भी कि इस तरह का जो भय का वातावरण और जो पुलिस दबिश दे रही है रात रात भर जाके कार्यकर्ताओं के घर पे, सेक्टर प्रभारियों के बूथ, तो इस पे रोका जाए इसको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, हर तरह की वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है इस बारे। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी और झारखंड में चुनाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस बार के नतीजे बहुत ही नए तरीके के आने वाले हैं। लगातार इस तरह के रेड कार्ड समाजवादी कार्यकर्ताओं पे इशू किए जा रहे हैं और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है, और जहां लोगों को खुशी से वोट डालने जाना चाहिए और जहां चुनाव आयोग की भी यही इच्छा है कि वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन यहां पे भय का माहौल बनाकर भाजपा वाले चाहते हैं कि वोट डालने लोग ना निकले। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र कायम ना रहे इस देश में, इस प्रदेश में। झारखंड के योगी जी कह रहे हैं देश बटा। मैं समझती हूँ अगर जरा सा भी उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, तो आज जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज पूरी कानून व्यवस्था जीरो उत्तर प्रदेश में है। वही हमने देखा जहाँ झांसी में नवजात शिशु, इतने सारे बच्चे जो एक साथ जल गए। तो मैं समझती हूँ जहाँ सरकार को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, जहाँ पे सरकार को स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना चाहिए था, जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए था, वहीं आज उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद होने की कगार पे है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भारी कमी रह गई है सरकार चलाने में, लोगों को व्यवस्थित करने में और व्यवस्था और सुविधाएं पहुंचाने में। मतदान प्रक्रिया के दौरान चेकिंग के नाम पर ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिस तरह प्रशासन का रवैया जन लोगों के साथ है। और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि भय का वातावरण ना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार भय की राजनीति करती आई है, करती रहेगी, और इसी वजह से ये लोग भय पैदा करके इस तरह के भाषण भी देते हैं, जहाँ हमने सुने हैं कि कितने नकारात्मक भाषण दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स द्वारा। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन? नहीं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, लोगों का बहुत समर्थन और साथ मिल रहा है, लेकिन
मेरी यही कहना है चुनाव आयोग से भी कि इस तरह का जो भय का वातावरण और जो पुलिस दबिश दे रही है रात रात भर जाके कार्यकर्ताओं के घर पे सेक्टर प्रभारियों के बूथ तक, तो इस पे रोका जाए इसको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, हर तरह की वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है इस बारे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।